करियर मार्गदर्शन एक ऐसी चीज है जो हम सभी को हाई स्कूल से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये एक निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारे लिए सफल विकल्प बनाने के लिए एक लंबी खोज है। इसके अलावा अपने करियर के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले तीन चीजों का ख्याल रखना होगा। वो है, पहला, क्या इस करियर का कोई मूल्य है? दूसरा, क्या आपको वो करना पसंद है? और आखिर में, क्या उस चीज में आप माहिर है कि नहीं? फोटोग्राफी निश्चित रूप से एक भावुक क्षेत्र है। सिर्फ एक शौक होने के अलावा फोटोग्राफी अब आजीविका का साधन बन गया है, जिसमें अब विभिन्न अवसर प्राप्त होने लगा है। तो आज इस वीडियो में आपको उस बड़े सवाल के बारे में पता चलेगा जो लोग आम तौर पर पूछते हैं, वो है, कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को एक पेशे में बदल सकते हैं। क्रिएटिव हर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफी एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और महंगा करियर है, क्योंकि इसमें हमें भारी लेंस और गियर्स के साथ विभिन्न स्थितियों और वातावरण में एक लंबे समय तक लोकेशंस में बिताना पड़ता है। जबकि सर्वेक्षण से पता चला है कि अन्य स्ट्रीम्स की तुलना में फोटोग्राफरों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसके अलावा नई पीढ़ी के बीच 10 में से 7 ऐसे होते हैं जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपना करियर बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, ये एक ऐसा पेशा है जिसमें हमें प्रकृति और वन्य जीवियों के प्रति एक जुनून और प्यार होना चाहिए। दूसरा, इस पेशे में उत्साह है, अभियान है और साथ ही साथ अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और अंत में, ये एक ऐसा पेशा है जो अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है और वापसी के रूप में अधिक लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलता है। अब बारी है ये जानने की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के विभिन्न नौकरियों के अवसर। निश्चित रूप से इस पेशे में हमें शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपने कहीं प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफरों से उनके संघर्षों और सफलता की कहानियों के बारे में सुना ही होगा। वे पेड़ों के नीचे, पत्थरों के पीछे और झाड़ियों के अंदर बहुत देर तक उस एक सही शॉट को पाने के लिए इंतजार करते थे। इस क्षेत्र में सही समय पर तस्वीरें लेना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें धीमी गति से ही उच्च तनख्वाह का प्रदान होता है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तौर पर हमें अवसर प्राप्त हो सकता है टेलीविजन चैनल, पत्रिका और अन्य प्रिंटिंग मीडिया में, सरकारी प्रोजेक्ट्स में, वन्यजीव संगठन में, फ्रीलांसर फोटोग्राफर की तौर पर या पारिस्थितिक विभाग में। इसलिए किसी भी प्रोफेशन को स्वीकार करने का अंतिम उद्देश्य है उसमें से लाभ पाना, जबकि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करियर के शुरुआती चरण में हमें अपना ज़्यादा समय और धन इस पद पर नियुक्त करना होगा। तो आप या तो वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनियों या एक्सीबिशंस करें और अपने चित्रों को बेचें, एनजीओ के और अन्य संगठनों के लिए काम करें, या स्टॉक छवियों को बेचकर अपना लाभ बना सकते हैं। और अंत में, एक वन्यजीव फोटोग्राफर कितना कमाते हैं? एक वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए वेतन या कमाई एक छोटी राशि से शुरू होती है और आने वाले वर्षों में धीरे धीरे बढ़ता है। उनके व्यवसायिक करियर की शुरुआत में 8,000 से लेकर 15,000 तक मिलेगा, जबकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को लगभग 20,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक महीने में मिल सकता है, या प्रोजेक्ट के अनुसार भी। इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखेगी, आपकी छवियों दर्शकों के लिए मनमोहक होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कोई भी संदेह हो तो नीचे दिए कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुंचे। और अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उनके स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.creativehub.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स
पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehearts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।